फ्रेंड्स, वेलकम टू नैन्सीज किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसा ढोकला, बिल्कुल फ्लफी बनेगा और सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मोस्टली अवेलेबल होते ही हैं, इसीलिए आज हम ढोकला बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल कोई भी मोटा पतला बेसन लिया है, आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, मोटा या पतला, तो ढोकला बिल्कुल आपका अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ पर 3 कप बेसन लिया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप दही मिला दूं, इसको आप अच्छे से फेंट लीजिए। मैंने फ्रेश गाढ़ा दही लिया है। ये फ्रेंड्स हम इसलिए डालते हैं ताकि ढोकला थोड़ा फ्लफी बन जाए, ऐसा हार्ड हो गया है, तो मैं इसमें आप 1/2 कप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूं। ये अभी भी बहुत हार्ड है, ये अभी भी बहुत गाढ़ा है, तो आप देख लीजिए कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें पानी डालते रहिएगा। हमें ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी। तो देखिए इसमें मुझे थोड़े थोड़े लम्ब्स दिख रहे हैं, जिसके लिए मैं इसको 5 मिनट तक और फेंटूंगी। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी, 2 पिंच टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून लेमन सिरप। ये आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी यूज करेंगे, इसीलिए। अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूंगी। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हम इसमें अभी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद जब हम इसको ओवन या कुकर में जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, तब हम बनाने से पहले, बेक करने से पहले बेसिकली हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालते हैं। इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम इसकी ढोकले पर डालने वाली सिरप बना लेते हैं। तो चलिए हम ढोकले की रेसिपी का प्योरी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पैन गरम कर लिया है, जिसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, 1 चम्मच मस्टर्ड सी, थोड़ी सी चीनी और 2 से 3 कटी बीच में डला हुआ मिर्ची। ध्यान से लीजिएगा, लोग इसमें कड़ी पत्ता भी डालते हैं, तो जैसा भी आपको नेसेसरी लगे आप डाल सकते हैं, हमने इसमें कड़ी पत्ता यूज नहीं करा है। मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है, 1 ग्लास पानी डाल दूंगी। ये देखिए हमने इसको 5 मिनट तक बॉईल किया था और देखिए ये बिल्कुल बाहर जैसा आपका ढोकले का सिरप तैयार है। हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक आइए देखते हैं हमारा ढोकले का बैटर भी तैयार हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे बैटर को 1 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, देख सकते हैं ये इतनी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब हम इसको बेक करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर आपने ध्यान दिया होगा ना, तो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून ही बेकिंग सोडा डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स करिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें कोई लम्ब्स ना रह जाए। ये देखिए अभी से ही फूलने लग गया है एकदम से ही, जैसे कि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है। चलिए अब हम इसको, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया है, प्लास्टिक बॉक्स, क्योंकि मैं इसको ओवन में कुक करने जा रही हूँ, जिसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, आप देख सकते हैं, ताकि इसमें कोई बिल्कुल भी ढोकले का बैटर चिपके ना। तो चलिए मैं इसके अंदर अब इसको पोर कर देती हूँ और देख सकते हैं सारा अच्छे से
देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से बॉक्स में डाल लिए है। चलो इसको माइक्रोवेव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट हो चुके हैं हमें अवन में अपना ढोकला रखे हुए। अब हम टूथपिक की हेल्प से चेक कर लेते हैं कि वो तैयार है या नहीं है। अगर टूथपिक आपका बिल्कुल क्लीन निकलता है बाहर तो आपका ढोकला इसका मतलब बन चुका है। देखिए हमारा एकदम बिल्कुल क्लीन बाहर आ गया है, तो हमारा ढोकला बन चुका है। ये देखिए बिल्कुल फ्लफी ढोकला बना है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं, बहुत गर्म है, बिल्कुल फ्लफी एकदम ढोकला बना है। आप देख सकते हैं कितने इसमें बीच में स्पंजेस के जैसे बन गया है। ये बिल्कुल बाहर जैसा ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्लेट में सर्व कर लिया है और जो भी हमारा वो हमने सिरप बनाया था ढोकले का, वो हमने 1 टेबल स्पून ऐसे एक एक चम्मच से आपको सारे एक एक ढोकले पर डालना है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सारा सिरप एक साथ नहीं डालना है। आपको एक एक ढोकले पर एक एक चम्मच से बहुत ही आराम से, बड़ा ही पेशेंसली काम करना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक साथ सारा डाल देंगे तो वो एक जगह ही सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमें क्या करना है कि पूरे जगह पर उसको एब्जॉर्ब करना है, ताकि जब वो ठंडा हो जाए तो वो बहुत ही स्पॉन्जी, फ्लफी और जूसी लगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना ही फ्लफी जूसी बन चुका है। इसको ठंडा होने के बाद बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए कितना फ्लफी बना है। मेरे ऐसे करने पर वो शायद टूट भी रहा है। तो ये बहुत ही सब्सक्राइबर्स फॉर मोर न्यू रेसिपीज। इट इज लुकिंग वेरी ऑसम, बिल्कुल भजार जैसा गुजराती ढोकला। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। लॉकडाउन में हमारा ढोकला एंजॉय कीजिए।